हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एग्रीकल्चर एजुकेशन हब। थैंक यू फॉर लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। चलिए हम आज बात जो करेंगे वो हमारा मोकरे से बैक क्रॉस के ऊपर। ठीक है, लास्ट टाइम आपने कमेंट किया, इंटरेस्ट शो कर रहे हैं आप, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। चलिए आज बात करते हैं बैक क्रॉस की। ठीक है, बैक क्रॉस मेथड क्या होता है और इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट, तो आप वीडियो को लाइक कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं बैक क्रॉस मेथड के ऊपर। अब समझिए सबसे पहले बैक क्रॉस मेथड क्या होता है, मैं आपको पहले इसका ओवरव्यू दे देता हूँ। जैसे हमारे पास एक क्रॉस है ए इंटू बी, ठीक है, उसका क्रॉस आया हमारे पास एफ वन आया। ठीक है, तो एफ वन का किसी भी, या तो ए वन से या फिर बी, ये ए से या फिर बी से किसी से भी आप क्रॉस कराओगे ना, तो उसे बोलते हैं बैक क्रॉस। एक स्टूडेंट ने मुझसे डाउट पूछी थी कन्वर्जेंट क्रॉस के बारे में, तो देखो कन्वर्जेंट यही होता है कि आप दोनों के साथ एक साथ क्रॉस कर रहे हो। ठीक है, एक होता है बैक क्रॉस, एक होता है टेस्ट क्रॉस में क्या करते हो आप रिसेसिव के साथ क्रॉस करते हो, और एक कन्वर्जेंट क्रॉस में दोनों को एक साथ आप क्रॉस करते हो। ठीक है, इतना क्लियर हो गया तीन टर्म आपको। चलिए ठीक है, बैक क्रॉस की बात हम समझ गए बैक क्रॉस क्या होता है। चलिए ठीक है, इसके इस पर आते हैं सीधा। बैक क्रॉस मेथड इज़ यूजफुल फॉर ट्रांसफर ऑफ, किसके ट्रांसफर के लिए होता है, ओलिगोजेनिक कैरेक्टर, डिसीज रेजिस्टेंस, मेल स्टेरिलिटी, ऑल ऑफ दिस। तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। अब समझिए क्या है ये, देखिए ये हमारे पास ए है और ये लाइन है हमारे पास बी लाइन। ठीक है, और बी लाइन में जैसे डिसीज रेजिस्टेंस जीन है हमारे पास, कि ये जो बी लाइन है ये आपका व्हील टिकर लेके रेजिस्टेंस है चने में। ठीक है, और ए लाइन जो है उसके यील्ड हाई है लेकिन वो रेजिस्टेंस शो नहीं कर रहा है व्हील टिकर लेके, तो हम इसका क्रॉस इसमें कराएंगे। तो ये वाला गुण हमें चाहिए ना इसमें, तो ये क्या हो जाएगा, ये डोनर पेरेंट हो जाएगा और ये हो जाएगा रेसिपियंट पेरेंट। ठीक है, तो इसकी क्वालिटी हमारी इसमें आ गई। इतना क्लियर है, और जैसे जैसे हम क्वेश्चंस आगे बढ़ते जाएंगे कंसेप्ट आपके और क्लियर होते जाएंगे। ठीक है, ये क्योंकि हमारी एग्जाम आने वाली है इसलिए हम ऐसा ओवरव्यू लेते हुए चल रहे हैं, ताकि आपके जो है जे आर एफ की एग्जाम है उसमें आपको फ़ायदा मिलता जाए। ठीक है, कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपका बन ही जाएगा यहाँ से, आप कुछ तो मिल ही जाएगा आपको, थोड़ा बहुत तो सीख ही जाएंगे कुछ ना कुछ। तो जो दूसरी चीज़ आती है वो है आइसोजेनिक लाइन। आइसोजेनिक लाइन्स आर डेवलप्ड बाय, देखिए आइसोजेनिक लाइन क्या होती है सबसे पहले समझिए। ये जैसे मेरे पास ये एक लाइन है ना, एक लाइन की बात कर रहे हैं, और यहाँ पे ये बंदे बैठे हुए हैं, ये ए बी सी डी, ये सब एक जैसे हैं ना, इनके सबकी कंडीशन एक जैसी, जैसे कैपिटल है कैपिटल है, तो सब कैपिटल है कैपिटल ए ही है, लेकिन जो ये लास्ट वाला बंदा ना ये थोड़ा अलग दिख रहा है हमें। तो इसका मतलब कि पूरी लाइन तो एक जैसी है लेकिन लास्ट में थोड़ा सा हमें कहीं पे भी, मतलब एक किसी पॉइंट पे दिक्कत आ रही है ना, दिक्कत मतलब वो अलग है कुल मिला के। तो आइसोजेनिक लाइन मतलब कि सेम लाइन है लेकिन एक पॉइंट पे ही उसमें डिफरेंस है, इसीलिए उसको बोलते हैं आइसोजेनिक लाइन। सिर्फ इतना ही हमको ध्यान रखना है, और एक लाइन है तो आइसोजेनिक लाइन, और ऐसी बहुत सारी लाइन है तो हम उसको बोल देंगे मल्टी लाइन। सिर्फ आ गए आपको बात समझ में, मल्टी लाइन और आइसोजेनिक लाइन में क्या मतलब अंतर होता है। तो एक लाइन की बात कर रहे हैं हम, एक पॉइंट पर डिफरेंस है तो आइसोजेनिक लाइन, लेकिन ऐसी बहुत सारी लाइन है हमारे पास जिसमें एक एक पॉइंट पर डिफरेंस है तो वो होगी मल्टी लाइन। ठीक है, आ गया समझ में, मतलब मल्टी लाइन आइसोजेनिक लाइन की, मतलब बहुत सारी आइसोजेनिक लाइन मिला के मल्टी लाइन बना देते हैं। इतना क्लियर है। चलिए पेडिग्री मेथड हो गई। तो ये आइसोजेनिक लाइन हम कैसे डेवलप करते हैं, तो बैक क्रॉस से डेवलप करते हैं। ठीक है, क्योंकि एक पॉइंट पर हमको डिफरेंस चाहिए, अभी हमने बात कर ली थी एक पॉइंट पर डिफरेंस की। ठीक है, ऊपर वाले उसमें। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द टर्म टेस्ट क्रॉस वाज गिवन बाय, देखिए टेस्ट क्रॉस की बात चल रही है यहाँ पे ना, ये टर्म टेस्ट क्रॉस। तो टेस्ट क्रॉस क्या होता है, ए इंटू बी है हमारा, और एफ वन जो आया था, एफ वन का क्रॉस कम करेंगे होमोजाइगस रेसेसिव से, हमारे मान लो जो भी होमोजाइगस रेसेसिव मान लो बी है, तो इसके साथ क्रॉस करेंगे ताकि हम टेस्ट कर पाएँ। टेस्ट क्रॉस करते हैं, टेस्ट क्रॉस रेशियो निकालते हैं, जिससे हम बहुत सारी चीज़ों का पता करते हैं आगे, वो जब हम लेक्चर लेंगे तब मैं आपको बताऊँगा डिटेल में क्या क्या करते हैं टेस्ट क्रॉस से। ठीक है, फिलहाल मैं आपको वही समझा रहा हूँ जो आपको इस क्वेश्चन के लिए जरूरी है। देखो मैं आपको एकदम से पूरा समझा दूंगा तो आपके दिमाग में भी लोड आ जाएगा एकदम से, इतनी सारी चीज़ों का नया नया, तो हम स्टेप बाय स्टेप इनको क्लियर करेंगे, पहले बेसिक टर्म्स, फिर एडवांस टर्म, और फिर बहुत एडवांस ऑब्जेक्टिव भी लगाएंगे। ठीक है, तो आप अगर शुरू से लेक्चर देख रहे हैं, अभी भी आपने अगर देखना चालू किया, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप पहले लेक्चर से देखिए, क्योंकि अगर मैं कोई सी एक टर्म एक बार एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ तो उसको दूसरी बार नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं यही होप कर रहा हूँ कि आप शुरू से ये वीडियोस देखते हुए चल रहे हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब ब्रिज ने कब दिया था ये, देखो ब्रिज ने दिया था ना, मैंने आंसर नहीं बताया होगा आपको, ब्रिज ने दिया था ये। अच्छा, मैं बता रहा था वो टेस्ट क्रॉस क्या होता है, तो ए इंटू बी है हमारा, और हो गया ना, मैंने आपको समझा दिया टेस्ट क्रॉस क्या होता है, तो उसको रेसेसिव से करेंगे। ठीक है, अब ब्रिज ने कब दिया था ये, तो ब्रिज ने दिया था 1934 में, ये दिया था हमारा टेस्ट क्रॉस। ठीक है, 1934 सन याद रखना इंपॉर्टेंट है आपको। द यूज़ ऑफ मल्टी लाइन वॉज फर्स्ट सजेस्टेड बाय, देखो मल्टी लाइन क्या होता है, अभी मैंने बताया कि बहुत सारी आइसोजेनिक लाइन का मिक्सचर होता है मल्टी लाइन, तो किसने दिया था ये, जेनसन ने। ठीक है, क्या रख लेना आपको इसमें आंसर में, याद रख लेना हमको सीधा कि ये भैया हमारे दिया था, जेनसन ने दिया था। ठीक है, कोई कंफ्यूज नहीं होना इसमें। अब इसके बाद इसकी जो हम याद रखेंगे वो रखेंगे इसकी सन याद रखेंगे हम। ठीक है,
तो सन क्या हो गई इसकी, जेनसन डेवलप्ड द कंसेप्ट ऑफ मल्टीलाइन इन 1952। क्लियर है, बड़े आगे क्वेश्चन की तरफ, कोई भी डाउट होता पूछ लीजिएगा कमेंट में। देखिए जो मल्टी, अब जो मल्टीलाइन कल्टीवार है ना, ये किसके मिक्सचर है, तो आइसोजेनिक लाइन का मिक्सचर तो है ही, हमने पढ़ लिया। नियरली आइसोजेनिक लाइन का भी मिक्सचर है, क्लोजली रिलेटेड लाइंस का भी मिक्सचर है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑल ऑफ दिस। ठीक है, और अगर सिंगल ऑप्शन होता तो हम क्या लगाते, आइसोजेनिक लाइन, वो हम आगे देख लेंगे अभी। ठीक है, और KSML किसकी मल्टीलाइन वेराइटी है, तो ये हमारी वीट की है ना, इसे याद रख लेना हमको कल्याण सोना से। ठीक है, और कहाँ पर आपका डेवलप हुआ था ये, तो ये हुआ था आपका लुधियाना में। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं, ये हो गया आपका लुधियाना में। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मल्टीलाइन वेराइटी ऑफ वीट रिफर्स टू, ये सारे के सारे हैं ना, अभी हमने इसके बारे में पढ़ लिया थोड़ा सा, इनके नाम बस आप याद रख लीजिए। अब मेन फीचर्स ऑफ मल्टीलाइन सर, मेन फीचर की बात करते हैं, तो ब्रॉड जेनेटिक बेस होता है इसका, वाइड एडाप्टेबिलिटी होती है, ग्रेटर डाइवर्सिटी होती है, तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मल्टी लाइन इज ए मिक्सचर ऑफ, अभी हमने देखा प्योर लाइन आइसोजेनिक लाइन का मिक्सचर होता है मल्टी लाइन। ठीक है, आइसोजेनिक लाइन मतलब एक पॉइंट पे अंतर है। ठीक है, अब हाउ मेनी आइसोजेनिक लाइन्स आर यूजुअली मिक्स टू कंस्टिट्यूट अ मल्टी लाइन, देखिए कितनी लाइन, अब उन्होंने पूछ लिया है कितनी लाइन, तो 6 से लेके हमारी 10 लाइन तक हो सकती है ना, उसको हम बोलते हैं ना। चलिए ठीक है, डायरेक्टली याद रखिए 6 से 10। द मेथड ऑफ डेवलपिंग मल्टी लाइन वॉज फर्स्ट आउटलाइन बाय, तो बोरलॉग एंड गिबलर। ठीक है, डेवलपिंग मल्टी लाइन्स की मेथड किसने दी थी, तो बोरलॉग एंड गिबलर ने दी थी। क्लियर है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर ट्रांसफर ऑफ ओलिगोजेनिक कैरेक्टर, ये सबसे पहले देख लिया हमने, बैक क्रॉस मेथड में होता है। अनडिजायरेबल लिंकेज कैन बी ब्रोकन बाय, देखो लिंकेज क्या होता है, सबसे पहले तो ये समझिए कि एक क्रोमोसोम पे जैसे जीन है ना, तो ये जीन सीग्रीगेट होते हैं नॉर्मली, पर बहुत बार क्या होता है कि ये दो जीन एक साथ हमारे ट्रांसफर हो जाते हैं एक साथ, मतलब बहुत क्लोजली रहते हैं एक दूसरे के। और बिना सिग्रीगेशन के, बिना क्रॉसिंग ओवर के, ये क्या होता है, एक साथ ही ये जाएगा तो ये भी जाएगा साथ में उसके। ठीक है, तो इस तरीके को बोलते हैं लिंकेज ऑफ अनडिजायरेबल, कि ये मान लो डिसीज रेजिस्टेंस है लेकिन ये दूसरी डिसीज का है, अब हमें सेकंड वाला नहीं चाहिए, नहीं चाहिए तो कहाँ से निकालेंगे, ये एक जिन को हम निकालेंगे बैक क्रॉस की मदद से। ठीक है, तो इसमें भी आपका हो जाएगा बैक क्रॉस। क्लियर, रिपीटेड क्रॉसिंग इज इन्वॉल्व्ड इन, अब देखिए रिपीटेड क्रॉसिंग से आप क्या समझते हैं, इसका आंसर तो वैसे हो जाएगा बैक क्रॉस, क्योंकि हम बैक क्रॉस पढ़ रहे हैं, लेकिन इसका मतलब समझिए आप कि A इंटू B है हमारे पास। ठीक है, अब जो B वाला है ना, इसमें एक डिसीज रेजिस्टेंस जीन है और A में नहीं है, बाकी A में सारी की सारी क्वालिटी अच्छी है। अब B से हमने ये जीन लिया, मान लो डिसीज रेजिस्टेंस का इसमें ले लिया, तो B का काम तो हो गया, लेकिन A में क्या सारे वही जीन आया है, और भी जीन आए होंगे ना, तो हमें और जीन नहीं चाहिए थी, वो जीन चाहिए, इसलिए हम क्या करेंगे, जैसे F1 आया ना, तो इस F1 का बार बार क्रॉस करेंगे A के साथ। ठीक है, बार बार क्रॉस करेंगे ताकि 99% A के ही क्वालिटी हमारे पास आ जाए, तो ये पेरेंट कौन सा हो जाएगा, रिकरेंट पेरेंट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसको हम बार बार यूज़ करेंगे, और ये हो जाएगा नॉन रिकरेंट, मतलब इसको हम एक ही बार यूज़ करेंगे, तो इसलिए इसको बोलते बार बार रिपीटेड क्रॉसिंग होती है इसके साथ हमारी। ठीक है, इसलिए ये हो गया बैक क्रॉस में होता है। ठीक है, तो आज का वीडियो हमारा इतना ही था, अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट मेथड लेके आएंगे। आप वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर लीजिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।